दोस्तों, बहुत बार इस दुनिया में रहते हुए हम परेशान हो जाते हैं। कई बार लाइफ बिल्कुल खाली और बेकार लगती है और हम लाइफ को कैसे ना कैसे जीने की कोशिश करते हैं। आज लोगों के लिए लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनका माइंडसेट, बुरे सोच विचार, गंदे सोच विचार और मन में गंदे चित्रों का आना इत्यादि। इफिसियों की पत्री में प्रेरित पौलुस बार बार सांसारिक नजरिए से मुड़कर परमेश्वर के नजरिए की तरह सोचने के लिए अर्ज करते हैं और कुछ ऐसे भेदों के बारे में सिखाते हैं जो एफेसुस के लोगों को जानना बहुत ही जरूरी था। इफिसियों की पत्री प्रेरित पौलुस ने जब लिखी थी, जब वो रोम की जेल में बंद थे, और वहाँ से यह लेटर या इस पत्री को प्रेरित पौलुस ने इफेसुस भेजा। प्रेरितों के काम उसके 19 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि प्रेरित पौलुस अपनी प्रचार यात्रा के दौरान एफेसुस में आए थे और उस समय एफेसुस में उनका एक बड़ा विरोध हुआ था। चलिए पहले हम प्रेरित पौलुस की एफेसुस की सेवकाई की कुछ बातों को देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने 12 लोगों को एफेसुस में बपतिस्मा दिया और उन 12 लोगों ने पवित्र आत्मा पाई। लगातार 3 महीने तक प्रेरित पौलुस आराधनालय में जाते रहे और परमेश्वर के बारे में लोगों को समझाते रहे। लगातार 2 साल तक उन्होंने एफेसुस में यहूदी यूनानी सबको परमेश्वर का वचन सुनाया। परमेश्वर ने पौलुस के हाथों से बहुत से सामर्थ्य के काम दिखाए, बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, यहाँ तक कि बहुत सारे जादूगरों को भी छुटकारा मिला। और फिर होता है प्रेरित पौलुस पर सताव। एफेसुस में एक देवी थी जिसका नाम था अर्तिमस। अर्तिमस को लोग पूजते थे, इवन लोग उसे उस समय सबसे ज़्यादा पावरफुल मानते थे। और लोगों ने जब यीशु के महान कामों को देखा तो अर्तिमस के भक्तों ने प्रेरित पौलुस का विरोध किया। तो ओवरऑल प्रेरित पौलुस के कारण मसीह का बहुत ही ज़्यादा काम हुआ एफेसुस में। इसलिए जब प्रेरित पौलुस एफेसुस के लोगों से दूर हो गए थे तो उन्होंने पत्री लिखकर लोगों को मसीह जीवन से जुड़े हुए कुछ और सॉलिड सत्य तथ्य को बताया जिन्हें हम भी आज जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली बात, मसीह में हम हर एक आत्मिक आशीष से आशीषित हैं। वी हैव बीन ब्लस्ड विद एवरी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग इन क्राइस्ट। प्रेरित पौलुस ने लिखा, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिली है जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से दिया है। तो प्रेरित पौलुस एफेसुस के लोगों को समझा रहे थे कि देखो, मैं तुमसे दूर हूँ, चाहे मैं कहीं भी हूँ, लेकिन इस बात को ध्यान रखना, जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया है वो तुम्हारी समझ से बहुत ही ज़्यादा बढ़कर है। वो बार बार परमेश्वर की महानता का वर्णन करते हैं और उन्होंने कहा, अब जो सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। 3 अध्याय उसका 20 वचन। जस्ट ध्यान दें, वो मसीह के लिए किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। फुलनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की संपूर्णता, ग्लोरियस ग्रेस, महिमा में अनुग्रह, बाउंडलेस राइचेस ऑफ क्राइस्ट, मसीह की असीमित संपन्नता, द डीप लव ऑफ क्राइस्ट, मसीह का गहरा प्यार, हु फुलफिल्स एवरीथिंग, जो सब कुछ पूर्ण करता है। प्रेरित पौलुस उन्हें बता रहे थे कि तुम्हारे पास परिपूर्णता है, मसीह की तरफ से ज्ञान है, अनमोल प्रेम है और महिमा में अनुग्रह भी है, और परमेश्वर ने अपने लोगों से कुछ भी नहीं छिपा रखा है, सब कुछ उनके लिए दे दिया है। देखिए, आज आप भी अपने जीवन में इस बात को जांचें कि परमेश्वर ने आपको वो सब दे दिया है जिसके आप लायक भी नहीं थे। परमेश्वर की आशीषों को उस नज़रिए से जांचने की कोशिश करें जैसे प्रेरित पौलुस एफेसुस के लोगों को बता रहे थे। दोस्तों, दूसरी बात, सुसमाचार जीवन और मृत्यु का विषय है। द गॉस्पल इज ए मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। प्रेरित पौलुस ने सिर्फ इफिसियों की पत्री में ही नहीं बल्कि अपनी दूसरी पत्रियों में भी सुसमाचार की बचाने वाली सामर्थ्य को डिस्कस किया है। उन्होंने लिखा कि उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण एक बार मरे हुए थे, लेकिन अब उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना तो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास भी किया है। प्रेरित पौलुस जब सुसमाचार की ताकत के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर शब्दों में ध्यान दें।
उन्होंने लिखा, तुम पहले अनजान थे लेकिन आज सुसमाचार के कारण तुम्हारी एक पहचान है। तुम पहले अन्य जाति थे, आज तुम सुसमाचार के कारण परमेश्वर का वंश बन चुके हो। तुम नाश होने वाले थे लेकिन आज सुसमाचार के कारण तुम बचाए गए हो। तुम्हारे और परमेश्वर के बीच में पहले विरोध था लेकिन आज सुसमाचार के कारण तुम्हारे बीच में प्रेम है। तुम बच्चे थे लेकिन आज तुम मसीह में बड़े हो चुके हो। पहले तुम्हारा पुराना मनुष्य था लेकिन आज तुम सब के सब नए हो गए हो, और यह सब कुछ हुआ है सुसमाचार के द्वारा। इवन रोमियो की पत्री में भी उन्होंने लिखा कि आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ द गॉस्पल, मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता क्योंकि यह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। रोमियो 1 अध्याय उसका 16 वचन, रोमियो 15 अध्याय उसके 23 वचन में वो लिखते हैं कि अब इन देशों में मेरे काम की और आवश्यकता नहीं है, अब और कोई स्थान ही नहीं बचा है, मैंने पूरे के पूरे देश को सुसमाचार से भर दिया है। प्रेरित पौलुस के लिए उनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी गॉस्पल, सुसमाचार, और पूरा नया नियम सुसमाचार है, एक खुशखबरी। जिसके पास ये खुशखबरी है तो वो जीवन में खुश है, और जिसके पास वो खुशखबरी नहीं है वो जीवन में आज भी होपलेस है। दोस्तों, आज आप सुसमाचार के प्रति कितने सीरियस हैं? आपके जीवन में सुसमाचार का क्या महत्व है? क्या आप सुसमाचार बताने और बांटने में शर्मिंदा होते हैं, या फिर आप कहीं पर भी खड़े होकर परमेश्वर के नाम को, उसके सुसमाचार को बांटने के लिए हमेशा तैयार रहते हो? हाउ सीरियस यू आर अबाउट द गॉस्पल ऑफ जीसस क्राइस्ट? दोस्तों, तीसरी बात, हमारी परमेश्वर के साथ यात्रा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आवर वॉक विद गॉड इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। प्रेरित पौलुस ने लोगों को सिखाया कि परमेश्वर ने हमें हर प्रकार की ब्लेसिंग, अनंत जीवन भी दिया है, और अब क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ हमें दिया है, इसलिए अब हमारी भी एक जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी है परमेश्वर के साथ चलना। लिखा है, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। अनुकरण करो यानी कि परमेश्वर के पीछे चलो। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। वो हमें सिर्फ नॉर्मली चलने के लिए ही नहीं बोलते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि मसीह में बुद्धिमान होकर चलो, वॉक इन लव, प्रेम में चलो। लुक केयरफुली एट हाउ यू वॉक, अपने चाल चलन को अच्छे से ध्यान में रखकर चलो। देखिए, जब हम बात करते हैं सुसमाचार की, तो हमेशा याद रखें कि सुसमाचार सिर्फ एक संदेश नहीं है, बल्कि यह एक लाइफस्टाइल है। प्रेरित पौलुस ने सिर्फ संदेश ही संदेश नहीं दिया, बल्कि उन्होंने सुसमाचार को जीकर दिखाया, और फिर लिखते हैं कि तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूँ। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 1 वचन। तो याद रखें कि आपकी मसीह के साथ यात्रा जरूरी है, इसलिए इस यात्रा में ध्यानपूर्वक, बुद्धि से, प्रेम से और अच्छे चाल चलन से चलें। सो मसीह में चलना ही मात्र जरूरी नहीं है, बल्कि मसीह के साथ सही तरीके से, अच्छे तरीके से चलना ज़्यादा मायने रखता है। दोस्तों, चौथी और आखिरी बात, परमेश्वर अपने लोगों को युद्ध लड़ने की सामर्थ्य देता है। गॉड गिव्स हिज पीपल द स्ट्रेंथ टू फाइट एंड फेस एवरी बैटल। इफिसियों की पत्री ही वो मात्र एक पत्री है जहां प्रेरित पौलुस आत्मिक युद्ध के हथियारों के बारे में बात करते हैं। आत्मिक युद्ध के हथियारों पर मैं ऑलरेडी कुछ दिन पहले एक वीडियो बना चुका हूं, आप उसे जरूर देखें। हजारों लोगों ने उस वीडियो के द्वारा आशीष पाई है, शायद आप भी उसके द्वारा आशीष पाएं। और वो लोगों से अर्ज करते हैं कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रेरित पौलुस खुद इस बात के जीते जागते उदाहरण हैं कि किस प्रकार परमेश्वर अपने लोगों को विजय देते हैं, नो मैटर कितनी तकलीफें सामने आए। फिर भी मैंने बताया कि 5 बार मैंने यहूदियों के हाथों से 39-39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बैंते खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार मेरा जहाज टूट गया, 1 रात दिन मैंने समुद्र में बिताया, बार बार यात्रा की, नदियों में जोखिम लिया, डाकुओं के पास जोखिम लिया, अपने जाति वालों के हाथों जोखिम लिया, अन्य जाति से जोखिम लिया, नगरों में जोखिम लिया, जंगल में जोखिम लिया, समुद्र में जोखिम में था, झूठे भाइयों के बीच में जोखिम था, और परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख में, प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में और उघाड़े में, और फिर भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका मैं वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन स्टिल आई प्रीच क्राइस्ट, और फिर भी मैं मसीह का प्रचार करता हूं, क्योंकि मेरे लिए जीना मसीह और मरना नफा है। क्या परमेश्वर ने प्रेरित पौलुस को उन सब दुखों से नहीं उबारा? यस, उबारा, बिल्कुल उबारा। और ये जो पत्रियां हैं अधिकतर उन्होंने जेल में से बैठकर लिखी।
आपके और मेरे जो युद्ध हैं जीवन में कंपेयरिंग टू अपोस्टल पॉल कुछ भी नहीं है। इसलिए छोटी छोटी बातों में रोना बंद करें और याद रखें कि परमेश्वर में हम विजयी हैं और परमेश्वर हमें इतनी स्ट्रेंथ इतनी सामर्थ्य देता है कि हम हर एक युद्ध लड़ सके। तो इफिसियों की पत्री में से ये चार बातें हमेशा याद रखें। पहली बात, वी हैव बीन ब्लेस्ड विद एवरी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग इन क्राइस्ट, मसीह यीशु में हम हर एक आत्मिक आशीष से आशीषित हैं। दूसरी बात, द गॉस्पल इज ए मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, सुसमाचार जीवन और मृत्यु का विषय है। तीसरी बात, आवर वॉक विद गॉड इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस, हमारी परमेश्वर के साथ यात्रा किस प्रकार हम चलते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गॉड गिव्स हिज पीपल द स्ट्रेंथ टू फाइट एंड फेस द बैटल, परमेश्वर अपने लोगों को हर एक युद्ध से हर एक लड़ाई से बाहर निकलने की उनके बीच में खड़े रहने की सामर्थ्य देते हैं। दोस्तों अंत में मैं आप सभी को एक वचन के साथ छोड़ना चाहता हूँ। लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे, आमीन। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों